नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया रिक्रूटमेंट, एक नया नोटिस के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसी एट अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार। बिहार राज्य के गया डिस्ट्रिक्ट में अनुग्रह नारायण मेडिकल मगध मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे कुछ पोस्ट नर्सिंग से रिलेटेड निकाले गए हैं। तो पोस्ट को बताने से पहले मैं आप लोगों को जो नोटिस है वो बता देना हूँ। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वैकेंसी इन द प्रोजेक्ट टाइटल, ये प्रोजेक्ट बेस पर निकला है जो वैकेंसी है। प्रोजेक्ट का नाम है एडेप्टिव मॉडल टू स्ट्रेंथन फैसिलिटी बेस्ड इमरजेंसी केयर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी इमरजेंसी केयर अमॉन्ग रेड ट्राइज पेशेंट्स टाइम सेंसिटिव एंड अदर इमरजेंसीज एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब सभी प्रकार के हेल्थ केयर फैसिलिटीज को देखते हुए जो कि फंड है ICMR, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत ये पोस्ट है जो एम्स नई दिल्ली द्वारा ये एडवर्टाइज की गई है। जो जॉब लोकेशन है वो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार में रहेगा। और जो इसका टाइटल है, ये टाइटल मैंने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहला पोस्ट है जूनियर नर्स का। जो टोटल पोस्ट की वैकेंसी है वो 8 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल है, जो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो है हाई स्कूल या इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन ANM विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए या उसके समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ। आर्ट्स वाले इसको नहीं फुलफिल कर सकते हैं। आप साइंस से अगर हाई स्कूल की डिग्री लिए हैं, उसके बाद आपने ANM का सर्टिफिकेट कोर्स किया है 5 साल, और उसके उपरांत 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। डिजायरेबल में क्या है, वांछनीय क्या है, एक्सपीरियंस 1 ईयर इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी आउट ऑफ 5 ईयर्स। अगर आपके आपके पास इमरजेंसी केयर में, इमरजेंसी फील्ड केयर में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो आपका सैलरी होगा एज पर ICMR जूनियर नर्स सैलरी, जो 18,000 पर मंथ होगा, आपको 18 साल पर मंथ दिया जाएगा। आपका जो ये ड्यूरेशन है, जो ये रिक्रूटमेंट है या पोस्ट होगा, वह इनिशियली फर्स्ट 1 ईयर के लिए होगा, और बाद में इसको 3 साल के लिए आपके सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा हम बात करते हैं स्टाफ नर्स। ये फर्स्ट था जूनियर नर्स, दूसरा स्टाफ नर्स, इसके लिए भी 8 वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए जो आपके पास मिनिमम अर्हता होनी चाहिए वो डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिडवाइफरी, तो JNM होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट JNM या उसके समतुल, एंड रजिस्टर्ड नर्स आर ANM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके साथ आप रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स आर ANM किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, चूंकि यह जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, तो आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में एज ए ANM रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी डिजायरेबल, अगर वांछनीय हम देखें तो इसमें भी वही है, 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इमरजेंसी केयर फील्ड में है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपका जो सैलरी होगा ICMR के तहत वो 31,500 होगा, 31,500 सैलरी होगा। आपका भी जो पोस्ट है फर्स्ट 1 साल के लिए, बाद में इसको आपके परफॉर्मेंस के बेस पे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी सुनहरा मौका है भरने के लिए जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और जो स्पेशली बिहार या उत्तर प्रदेश के हैं जो अभी जॉब की सर्च में है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद इससे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आने वाले दिनों में जो परमानेंट वैकेंसी आती हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एज एक्सपीरियंस आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा और उसके साथ एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 25 सितंबर 2023 है, शाम को 5 बजे तक। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आप जो एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे उसके बाद कैंडिडेट्स के नंबर को देखते हुए आपका इंटरव्यू बेस पर कॉल किया जाएगा और उसके भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इमीडिएट ज्वाइनिंग इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट। इनको अति तत्काल इनको वैकेंसी फुलफिल करनी है और अति तत्काल रूप से कैंडिडेट चाहिए वहाँ पर सर्विस करने के लिए, तो जो कैंडिडेट तुरंत ज्वाइन करना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो कैंडिडेट हैं वो अपना जो रिज्यूम है, अपना फॉर्म है, अपना जो डिटेल्स है, वो इस लिंक के अप्लाइंग द बिलो लिंक, इस लिंक गूगल फॉर्म लिंक है, इसके थ्रू क्लिक करेंगे। आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, उस फॉर्मेट में अपना डिटेल्स दीजिए, डिटेल्स भरकर भेज दीजिए। आप देख सकते हैं ये जो सिग्नेचर है इसका हिंदी वर्जन है, आप देख सकते हैं हिंदी वर्जन में भी ये है, जिसको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सिग्नेचर देख सकते हैं, डॉक्टर संजीव कुमार भोई का है,
ये एम्स नई दिल्ली में वहाँ पे कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन। अब चलिए हम इसकी देखिए, हम हमारे YouTube चैनल पे क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन हम सबसे पहले जेन्युइनिटी चेक करते हैं, क्योंकि आज के समय में फर्जीवाड़ा बहुत अधिक है। बहुत सारे फर्जी नोटिफिकेशन बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज होकर उसको अप्लाई भी कर देते हैं, उसके लिए जो फ़ी रहता है, हालांकि इसमें फ़ी नहीं है, फ़ी भी पे कर देते हैं और पता चलता है बाद में वो कहीं फ्रॉडगिरी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका जेन्युइनिटी चेक करते हैं। तो हमने इसका भी जेन्युइनिटी चेक किया है, आइए हम दिखाते हैं। आप देखिए, हमने एम्स न्यू दिल्ली का ये वेबसाइट खोला है, ये होम पेज है। आप होम पेज में नोटिस में आएंगे, नोटिस में रिक्रूटमेंट पे आया, रिक्रूटमेंट पे आप जाएंगे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाले गए हैं जो ICMR और एम्स द्वारा फंडेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड, आप जैसे ही करेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर है सीरियल नंबर 21 एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन। आप जो 1 सितंबर को ये जारी किया गया था, स्टार्टिंग डेट है, और 25 लास्ट डेट है, आप 25 को आप जारी कर सकते हैं। तो इसका हमने जेन्युइनिटी चेक भी कर लिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत वो नहीं है कि हाँ ये फ्रॉड है या कुछ है, ये ICMR और एम्स न्यू दिल्ली द्वारा फंडेड है। अच्छा अच्छा वैकेंसी है, अच्छा जॉब करने का आप लोगों को मौका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है, तो आप इसको जाके कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं, इसमें मैं इसका गूगल लिंक भी आपको दिखा सकता हूं। अगर गूगल लिंक यहां पर दिया है, गूगल लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइट ओपन होगा, और उसमें मिनिमम डिटेल्स यहां पर ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको कॉपी करके आप पेस्ट करके अगर आप ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम डिटेल्स आपका जो है वो फुलफिल करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा ये नोटिफिकेशन, हमारा ये रिक्रूटमेंट नोटिस आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों के जितने क्वेरी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।